हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल ट्रायंगल आप लोगों को मालूम है कि ट्रायंगल 3 साइड के मदद से बनता है। ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड के मदद से बनता है। अगर आपके पास 3 साइड्स है, ये 3 साइड्स, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल में बहुत तरह का ट्रायंगल होता है। एक होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो। अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में क्या होगा, बराबर। फिर होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में दो साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल। फिर आपका आता है क्या, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड्स अनइक्वल होगा, तीनों साइड्स क्या होगा, अनइक्वल। फिर आता है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ध्यान दे, ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल 3 साइड्स के मदद से बनता है। ट्रायंगल में एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड्स आपस में इक्वल। फिर आता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल। फिर आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होता है, अनइक्वल। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें गौर करें, ये आपका 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहां पे इस एंगल को थीटा मान लें, तो अगर यहां पे ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। याद रखे, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और थीटा से सटा हुआ साइड जो है वो बेस कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर क्या है, तो थीटा के अपोजिट वाला साइड, थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा से जो सटा हुआ साइड वो क्या कहलाएगा, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे पी बी और एच, पी बी और एच, इन तीनों के बीच आपस में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ध्यान दे, पी बी और एच, पी बी और एच, इन तीनों के बीच आपस में एक रिलेशन होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, आपके पास ये एंगल क्या है, ध्यान दें, ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेस। और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। यहां पे आप देख सकते हैं एच स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम के मदद से अगर इस तीन में से कोई भी दो साइड्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए, अगर आपका ये 3 है और ये 5 है, ये 90 डिग्री है, ये 3, ये 5, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इस एंगल को हम थीटा कहें, तो ये आपका पी हो गया, यहाँ पे बी आपका किसके बराबर है, 3, और एच किसके बराबर है, 5। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के जगह पे क्या रखेंगे, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ। पी पी आपको निकालना, तो पी स्क्वायर रहने दिए, बी बी आपका क्या है, 3, 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 क्या होता है, 16, तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 16, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स मालूम है, तो तीसरा साइड्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तीसरा साइड्स निकालने के लिए हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब
अब हम यहां पे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान दे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करता है रिलेशन ऑफ साइड्स और एंगल को। साइड्स और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उसको जो मैथ्स डील करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन पढ़ते हैं, साइड्स और एंगल के बीच। वो साइड किसका होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का। याद रखे, ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स, ये हो गया आपका साइड्स, ये हो गया एंगल, तो साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन पढ़ते हैं किस में, कौन से ट्रायंगल में, तो इक्विलैटरल, सॉरी, कौन से ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, देख सकते हैं, इट इज द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, साइड्स और एंगल के बीच रिलेशन होता है किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन, एक आपका साइन थीटा, एक आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कोसाइन थीटा, तीसरा आपका टेंजेंट, चौथा आपका सेकेंड, फिर आपका क्या होता है, कोसेकेंड एंड देन कोटेंजेंट। ध्यान दे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट। तो यहां पे आप देखिए एक चीज, साइन थीटा, इसी को हम इन शॉर्ट कहते हैं साइन थीटा। आपका जो कोसाइन थीटा है, कोसाइन थीटा, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं कॉस थीटा। फिर जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट, इसको हम कहते हैं टैन। ध्यान दे, कहीं भी टैन अगर देख रहे, मतलब वो टेंजेंट थीटा की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सेकेंड, सेकेंड था, सेकेंड को हम शॉर्ट में कहते हैं सेक, सेकेंड को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेक। फिर आपका कोसेकेंड, कोसेकेंड, इसको हम कहते हैं कॉसेक, इसको हम क्या कहते हैं, कॉसेक। फिर आपका होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कॉट। याद रखिए, साइन को शॉर्ट में साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, फिर सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कॉसेक और कोटेंजेंट को कॉट। आपको हर जगह यही मिलेगा, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। लेकिन इसका एक्चुअल नेम जो होता है, कॉस का एक्चुअल नेम कोसाइन, टैन का एक्चुअल नेम टेंजेंट, सेक का एक्चुअल नेम सेकेंड, कॉसेक का एक्चुअल नेम कोसेकेंड और कॉट का एक्चुअल नेम क्या होता, कोटेंजेंट। तो ये था आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 6। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो 6। कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट। इसको कहेंगे साइन, कॉस, टेंजेंट को टैन, सेकेंड को सेक, कोसेकेंड को कॉसेक और कोटेंजेंट को कॉट। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है। अब हम यहां पे इसके फॉर्मूला को देखते हैं, गौर करें। यहां पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पे ये एंगल क्या है आपका, थीटा, तो ये एंगल थीटा। थीटा के सामने वाला साइड आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। थीटा से सटा हुआ साइड आपका क्या कहलाएगा, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आप गौर करें, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं हम, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा से सटा हुआ साइड को हम बेस कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच, कॉस थीटा, बेस, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस को हम क्या कहते हैं, बी, और हाइपोटेन्यूज का हम क्या कहेंगे, एच। फिर आपका टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब पी बाय बी। टैन थीटा आपका क्या होगा, पी बाय बी। कॉट, कॉट आपका बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर सेक,
आपका क्या होगा, बी एच बाई बी, एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कॉसेक आपका क्या होगा, एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो गौर करें, साइन थीटा, साइन थीटा मेरे पास क्या है, पी बाई एच, आप देख सकते हैं, तो ये साइन थीटा पी बाई एच। फिर आप देखिए कॉसेक को, तो साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक आपका एच बाई पी बना, साइन थीटा पी बाई एच तो कॉसेक आपका क्या है, एच बाई पी। इसका मतलब साफ है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। यहां पे साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक क्या हो गया, एच बाई पी, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा। यहां पे गौर करें कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है, बी बाई एच। कॉस को देखिए और सेक को देखिए, ये देखिए बी बाई एच है और सेक क्या है, एच बाई बी। कॉस क्या है, बी बाई एच, और सेक क्या है, एच बाई बी, मतलब कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल। टैन आपका क्या है, पी बाई बी, कॉट आपका क्या है, बी बाई बी, मतलब टैन और कॉट दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल। मतलब कि अगर ये तीन का वैल्यू आपको पता है तो ये तीन का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और आपसे कोई पूछ दिया कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, 2। अगर आपके पास कहीं दिया हुआ टैन थीटा 3/4, तो टैन थीटा 3/4 है तो टैन का उल्टा क्या होता, कॉट, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, 4/3, तो कॉट थीटा हो गया 4/3। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये आप याद रखें। अब यहां पे हम देखते हैं इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या, जो हम यहां पे फॉर्मूला लिखाए हैं, साइन थीटा पी बाई एच लिखवाए हैं, फिर क्या लिखवाए यहां पे, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा आप देख सकते हैं पी बाई एच, टैन थीटा देख सकते हैं पी बाई बी, ये फॉर्मूला आपके पास है, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉसेक एच बाई बी। तो इसको याद करने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दें, यहां पे आप गौर करें, एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ध्यान दें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, सबका पहला लेटर आप देखें, इसका पहला लेटर पी, इसका पहला लेटर बी, इसका पहला लेटर पी, फिर इसका हरि का पहला लेटर एच, हरि का पहला लेटर एच और बोल का पहला लेटर बी। अब ऊपर क्या है, साइन थीटा, तो ऊपर से नीचे जाए पी बाई एच, साइन थीटा क्या होगा, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होगा, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर बी बाई एच, टैन थीटा क्या होगा, प्रसाद का पहला लेटर, बोल का पहला लेटर पी बाई बी। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको साइन कॉस और टैन मिलेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो यहां पे पंडित का पी और हरि का एच, तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस में बद्री का बोल और हरि का एच बी बाई एच, टैन में प्रसाद का पी और बोल का बी पी बाई बी। अब अगर नीचे से देखें हम कॉसेक, तो कॉसेक में पहले हरि फिर पंडित, कॉसेक में पहले क्या लेंगे, हरि, तो आपका यहां पे पी क्या बनेगा, जरा ध्यान दे, आपका यहां पे नीचे से अगर आप पकड़ेंगे नीचे से, तो यहां पे कॉसेक, अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो हरि पहले फिर पंडित, तो ये देखिए एच बाई पी बना। सेक को अगर हम देखें, सेक थीटा को, तो सेक थीटा में गौर करें आप, नीचे से भरे हरि पहले फिर बद्री, तो ये क्या बन गया, एच बाई बी बना। कॉट नीचे से ऊपर जाए, बोल, बोल का बी और प्रसाद का पी,
तो ये हो गया आपका cot थीटा। तो अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन कॉस और टेन मिलेगा, और अगर आप नीचे से ऊपर h बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये आप सेंटेंस याद रखें, ये सेंटेंस अगर आपको याद है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक सबका फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो ये था आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के फॉर्मूला को याद करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पे देखिए, अभी हम डिस्कस किए हैं कि कॉसेक और साइन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। कॉसेक और साइन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यहां पे देखिए, कॉसेक थीटा क्या बना, 1 बाई साइन थीटा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन थीटा आपका क्या बनेगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, अभी हम आपको दिखाएं फॉर्मूला में। रीजन क्या था, साइन थीटा आपका क्या है, पी बाई एच है, और कॉसेक थीटा आपका क्या था, कॉसेक थीटा एच बाई पी। तो ये दोनों रेसिप्रोकल, इसलिए कॉसेक थीटा आपका क्या बना, 1 बाई साइन थीटा, या साइन थीटा आपका क्या बनेगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा आपका क्या बनेगा, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा को अगर हम कहें तो ये आपका क्या बनेगा, 1 बाई सेक थीटा। कॉट, कॉट आपका क्या, 1 बाई टेन। अगर हम इसको उल्टा करें, टेन को इधर ले जाए, कॉट को इधर ले आए, तो आपका टेन थीटा आपका क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा। एक चीज अगर और हम ध्यान दें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन यहां ले, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो आप खुद देखिए, साइन थीटा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये साइन थीटा आ गया इनटू, यहां पे आपके पास क्या, कॉसेक, तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1। यहां पे देखिए आपके पास सेक थीटा है, और यहां पे आपके पास क्या, कॉस थीटा, यहां सेक थीटा, यहां कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पे क्या बनेगा, सेक थीटा, और ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहां पे देखिए कॉट है, यहां पे आपके पास क्या है, टेन। कॉट और टेन अगर हम इसको इधर भेज दे तो आप खुद देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बनेगा, 1। तो साइन इंटू कॉसेक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट ये भी 1, ये भी 1। और दूसरा, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो इसको आप याद रखें, इसको नोट डाउन भी कर लें आप वीडियो को पॉज करके। तो ये था आपका एक रिलेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां पे है आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए इसको आप कितना आराम से सोच सकते, यहां पे देखिए राइट हैंड साइड क्या आपके पास, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। हम इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा आपका पी बाई एच था, याद होगा अभी हम बताए थे प्रीवियस साइड में। कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका क्या था, बी बाई एच। आप देख सकते हैं साइन थीटा पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो पी बाई एच और कॉस थीटा बी बाई एच, ये एच और ये एच कैंसिल, ये आपका क्या बना, P by B बना। अब बताइए P by B, P by B किसके बराबर होता है, tan theta के बराबर होता है। तो ये आपका tan theta हुआ कि नहीं, तो tan theta आपका क्या होगा, sin theta by cos theta। तो जब कभी भी tan को sin और cos में चेंज करना हो, जब कभी भी tan को sin और cos में चेंज करना हो तो हम इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। जब कभी भी tan theta को sin theta और cos theta में चेंज करना हो तो हम इसी फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। अब आप यहां पे देखिए cot, cot थीटा किसके बराबर है, cos by sin, cos by sin। इसको भी आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, यहां पे हम राइट हैंड साइड लिए, यहां पे क्या cos थीटा, cos थीटा आप बताइए b by h के बराबर होता है कि नहीं। नीचे क्या आपके पास sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, p by h। तो cos के जगह पे b by h, sin के जगह पे p by h, ये h है, ये h और ये h कैंसिल, आपके पास यहां पे खुद देखिए b by p आ गया, और b by p ही आपका क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, cos थीटा by sin थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, sin थीटा by cos थीटा। तो ये फॉर्मूला कब हम लगाएंगे, अगर मेरे पास tan है sin cos में जाना तो लगाएंगे, अगर मेरे पास cot है cos और sin में जाना तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं।
तो ये था फॉर्मूला, इसको इसका डेरिवेशन भी आप लिख लें वीडियो को पॉज करके। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पे है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आइडेंटिटीज है। जैसे यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी वन, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन। इसको भी आप चाहें तो बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दें। क्या है मेरे पास, पहला फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्रूफ करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या प्रूफ करना वन। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला पे चले, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो ये पी बाई एच का स्क्वायर हुआ, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो ये बी बाई एच का स्क्वायर। अब बताइए ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बनेगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस ये आपका क्या बनेगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आपको दिख रहा है एच स्क्वायर, तो हम यहां पे एलसीएम ले लिए एच स्क्वायर। अब यहां पे क्या है पी स्क्वायर और यहां पे क्या है बी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब आप गौर करें, आपको हम बताए थे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताए थे कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर, तो यहां पे हम एच स्क्वायर रखेंगे। तो ये देखिए एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आया, और एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होता है वन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, कोई भी एंगल हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा वन। तरीका क्या है, एकदम बेसिक से चलेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच तो पी बाई एच रखे, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच तो बी बाई एच रखे, सिंप्लीफाई किए रिजल्ट मेरे पास आ गया। दूसरा मेरे पास क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, इसको भी सेम तरीके से आप पढ़े, सेक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई बी, तो यहां पे एच रखेंगे तो ये एच बाई बी का होल स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, फॉर्मूला बताए हैं आप देख सकते हैं प्रीवियस साइड में पी बाई बी। अब आप देखिए ये क्या बना एच स्क्वायर बना, नीचे बी स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है तो आप बी स्क्वायर एलसीएम ले ले, ये आपका क्या बना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बना। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, अगर हम यहां पे सॉरी ये पी है आपका, ये पी स्क्वायर पी, हम पी स्क्वायर को इधर भेजे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपका क्या बनेगा बी स्क्वायर बनेगा, तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर रखे तो ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ये भी आपका क्या हो गया वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा वन। अब लास्ट आपका क्या बचता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी वन। इसको आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक क्या बनेगा एच बाई पी, कॉट आपका क्या बनेगा बी बाई पी, स्क्वायरिंग करेंगे ऊपर आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और नीचे पी स्क्वायर आएगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे पी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल होके वो वन हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग खुद से करें। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, इसको हम कहते हैं इन तीनों को स्क्वायर रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक किसको कहते हैं, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या आता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, सेक कॉस का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉट टेन का उल्टा, इसलिए साइन इंटू कॉसेक वन, कॉट इंटू टेन वन, फिर सेक इंटू कॉस वन। फिर हम क्या देखें टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा साइन बाई कॉस, कॉट किसके बराबर होगा कॉस बाई साइन। उसके बाद हम वो फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बताएं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसके बाद हम देखें स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन में क्या देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको करवाएंगे कि आप वो प्रॉब्लम को आसानी से बना पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।